राज कपूर जो रोमांटिक और सेंशुअल दृश्यों के जादूगर माने जाते थे, उन्होंने साल 1970 में अपनी महत्वाकांक्षी फिल्म मेरा नाम जोकर बनाई। लेकिन उन दिनों इस फिल्म में अभिनेत्रियों पद्मिनी और सिमी गिरेवाल पर फिल्माए गए दृश्यों की कड़ी आलोचना हुई थी। कई फिल्मी मैगजीन्स ने तो राज कपूर को गर्म गोश्त का सौदागर तक कह डाला था। हालांकि उन पर इन सब बातों का कोई असर नहीं हुआ और अपनी अगली ही फिल्म बॉबी में डिम्पल कपाड़िया जैसी कमसीन अदाकारा को बिकनी में दिखाया। दुनिया जिसे अश्लील कह रही थी, राज कपूर उसे कला मानते थे और इसी से वशीभूत होकर साल 1977 में उन्होंने दर्शकों के आगे सत्यम शिवम सुंदरम नामक फिल्म रखी, जिसमें जीनत अमान ने खुलकर रंग प्रदर्शन किया। राज कपूर ने कभी भी क्रिटिक्स और रूढ़िवादी लोगों की परवाह नहीं की। यहां तक कि उन्होंने अपने जीवन की अंतिम फिल्म राम तेरी गंगा मैली में अभिनेत्री मंदाकिनी पर ऐसे ऐसे दृश्य फिल्माए जिसने उन दिनों पर्दे पर आग लगा दी थी।